दोस्तों नमस्कार, पार्ट टू में स्वागत है आपका। पंचायत राज के बारे में दूसरा आप पार्ट है ये, जिसमें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में बना था, उसमें क्या क्या फिक्स किया था, क्या क्या बताया गया था, वो उसके बारे में बताते हैं। देखो ग्राम पर देखते हैं वार्ड सभा क्या होती है। दोस्तों वार्ड सभा, वार्ड सभा में क्या है, पहले तो मतदाता, उस जो वो वार्ड है उसका नागरिक होना चाहिए जिसका मतदाता सूची में नाम हो। मतदाता सूची का मतलब है 18 साल से ऊपर वाले, ऊपर उम्र हो उसकी, ठीक है। दूसरी बात है कि वो उसी वार्ड का नागरिक हो, वार्ड का नागरिक। तो ये जो इनकी सभा होगी वार्ड में, तो वो वार्ड सभा कहलाएगी। उसका अध्यक्ष कौन होगा? जी बिल्कुल, वार्ड पंच। अध्यक्षता कौन करेगा? वार्ड पंच। बेसिक चीजें हैं, कई बार इनमें से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है वार्ड पंच जो। चलो ये देख लो कि वार्ड पंच नहीं है कभी, तो फिर कौन अध्यक्षता करेगा? तो वहां अलग छोटा वहां चुनाव होगा और बहुमत से जिस नागरिक को वार्ड पंच मान, मतलब उसका अध्यक्ष मान लिया जाएगा, तो फिर वो अध्यक्षता करेगा उसकी जो है। दूसरी जगह, दूसरी बात देखते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा किन से मिलकर बनेगी? गांव की जो मतदाता सूची है उसमें सारे जो मतदाता है, मतदाता सूची पूरे गांव की, मतदाता सूची और वह गांव ग्रामीण जो उसी ग्राम के नाम है नागरिक है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता सरपंच करता है, सरपंच नहीं हो तो उसकी अनुपस्थिति में कौन करता है? उप सरपंच अध्यक्षता करेगा। तो और यह है कि जो जनसंख्या जिस राज्य की 20 लाख से कम हो तो वहां द्विस्तरीय पंचायती राज हो सकता है। अब बात करते हैं कार्यकाल के बारे में, कार्यकाल कितना हो? जी बिल्कुल, सब जानते हैं कि 5 साल होता है सरपंच होगा, पर उसके बारे में देखो, जब उसका 5 साल कब से शुरू होगा? प्रथम अधिवेशन होगा ना, प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन मतलब प्रथम जो मीटिंग होगी उससे कार्यकाल शुरू होगा, और उसके जो 5 साल होंगे उससे पहले दूसरे चुनाव हो जाएंगे, मतलब 5 साल पूरे होंगे ना जिससे पहले दूसरे चुनाव हो जाएंगे उसके बाद वाले, अर्थात 5 साल खत्म होते ही दूसरा सरपंच वहां आ जाएगा। अब देखते हैं विघटन के बारे में। जी बिल्कुल, विघटित की जा सकती है पंचायत बीच में भी, पर बीच में अगर पंचायत का विघटन हो गया, देख लो विघटन हो गया तो क्या होगा? अभी मान लो देखते हैं 3 साल बाद विघटन हो गया और 5 साल होती है पंचायत, तो 3 साल बाद क्या है? दो उसके विघटन के 6 माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है, और 6 माह के अंदर जो चुनाव हुए अब वो पंचायत चुनने चलेगी। जो बाकी समय कितना बचा? बाकी समय अगर देख लो, इधर 3 साल तक पहले थी, अब 2 साल तक नई ग्राम पंचायत चलेगी। जो सरपंच होगा वो कुछ, जो सरपंच है या वार्ड पंच है वह केवल 2 साल तक देगा, मतलब जब विघटन हुआ ना उसके बाद जितना समय बाकी बचा तब तक वह नया जो भी निर्वाचित होगा वह राज करेगा, क्या मतलब वो पद संभालेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि चुनाव किस प्रकार होते हैं इनके। हाँ एक और चीज भूल गया था, मैं बताता हूँ। ये अगर मान लो एसटी का कैंडिडेट है सरपंच, तो अब जो आने वाला जो सरपंच होगा वो भी एसटी से होगा, एससी का होगा तो वो आने वाला भी एससी का होगा, ओबीसी का होगा तो आने वाला जो कैंडिडेट होगा वो भी ओबीसी से होगा, अर्थात तो उनकी जो कैटेगरी है वो बदलेगी नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं चुनाव किस प्रकार होते हैं इनके। जो सरपंच का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, सरपंच का मुख्य देख लेते हैं, सरपंच उप सरपंच प्रधान, ठीक है, जिला प्रमुख। देखो सरपंच का चुनाव होता है जो प्रत्यक्ष होता है, निर्वाचन होता है, डायरेक्ट ग्रामीण वोट देंगे तो इसको प्रत्यक्ष चुनाव बोलेंगे। जो उप सरपंच है उसका अप्रत्यक्ष होगा, जो वार्ड पंच चुन के आएंगे उनमें से किसी एक को उप सरपंच बनाया जाएगा, बस उसको बहुमत हो, मतलब जो वार्ड पंच है उसको बहुमत में, मतलब जितने जैसे मान लो 10 हैं, 10 वार्ड पंच आए तो एक कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया, उसको लगभग 5 से मतलब 9 रह गए तो अब इनमें से 5 वोट उसके पक्ष में जितने पड़ जाएंगे वही उप सरपंच बन जाएगा, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष।
जिसके बाद देखते हैं प्रधान, ये भी अप्रत्यक्ष है क्योंकि जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो इसको चुनते हैं, जिला प्रमुख भी अप्रत्यक्ष है, तो दोनों अप्रत्यक्ष। जिसके बाद देखते हैं अपन आरक्षण, आरक्षण की क्या व्यवस्था है इसमें जी। ये आरक्षण, आरक्षण की व्यवस्था देख तीन रूप में देखेंगे अपन, एसटी एससी के, जनजाति और ओबीसी और महिलाएं, इन तीनों को आरक्षण दिया जाता है। एसटी और एससी को आरक्षण वहां की जनसंख्या के हिसाब से दिया जाता है, उस पंचायत में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है उस हिसाब से इसको आरक्षण दिया जाएगा, अर्थात जनसंख्या के आधार पर, के आधार पर। और ओबीसी को, ओबीसी को आरक्षण देना वहां के विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है, विधानमंडल, विधानमंडल अगर आरक्षण देना चाह रहा है तो दे सकता है, विधानमंडल में दोनों आगे विधानसभा और विधान परिषद। किस तरह है महिलाओं को, महिलाओं को कितना आरक्षण है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण है, अर्थात 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को पंचायत में, जो भी पंचायत ग्राम पंचायत जो है पूरी चुन के आएगी उसमें से 1/3 महिलाएं होगी। ये अब तक था 2009 से पहले तक, 2009 के बाद इसका क्या कर दिया गया, 2009 के बाद महिलाओं को आरक्षण दे दिया 50%। सबसे पहले किस राज्य ने किया था दोस्तों, ये सबसे पहले किया था बिहार ने, बिहार ने सबसे पहले 50% आरक्षण दिया था महिलाओं को, ठीक है। तो ये आरक्षण की व्यवस्था होगी। अब देखते हैं निर्वाचन, अब तो इनका निर्वाचन आयुक्त चुना, निर्वाचन आयुक्त ही ये चुनाव करवाता है ग्राम पंचायत वाले, राज्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, राज्यपाल। अब इसको हटाया किस प्रकार जा सकता है दोस्तों, इसको हटाने के लिए, हटाने के लिए क्या, महाभियोग जिसे जज के लिए लगाया जाता है उस प्रकार यहां भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है इसको, अर्थात हटाना मुश्किल है इसको। सबसे पहला जो निर्वाचन आयुक्त था वो कौन था, अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़। और फिर बात करते हैं वित्त आयोग, वित्त आयोग क्या करेगा, इनके लिए वित्त की व्यवस्था किस प्रकार, इनको कितना वित्त दिया जाएगा, कौन कौन से कर लगाए जाएंगे पंचायत द्वारा, तो ये इस वित्त आयोग के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो अभी पांचवा वित्त आयोग है, पहले देख लेते हैं वित्त आयोग, वित्त आयोग 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राज्यपाल को सबमिट करता है, रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को, ठीक है। तो सबसे पहला जो वित्त आयोग, राजस्थान की बात करते हैं अपन, राजस्थान में सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल करके थे। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, ये चल रहा है पांचवा वित्त आयोग, पांचवे नंबर का पांचवा वित्त आयोग, वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है जी, डॉक्टर ज्योति, इसकी अध्यक्ष है। तो दोस्तों इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें से देखो, एक तो ग्राम सभा में कौन कौन सदस्य होंगे पूछ लिया जाता है, और कार्यकाल कितना, बीच में चुनाव होंगे तो कितना कार्यकाल होगा, चुनाव कब करवाना है, चुनाव विघटन होने, पंचायत विघटित होने के बाद कितने समय में चुनाव करवाने हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष होता है, निर्वाचन, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था राजस्थान का, और प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, अभी कौन है, अभी चलेगा जो 2015 से 2020 तक दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ इसका भाग 2 खत्म होता है, भाग 3 कुछ समय बाद लोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।